अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। क्या दोस्तों, आप आज इस वीडियो में सीखना चाहते हैं कि अगर आपने अपने अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया है या फिर आपने अमेज़ॉन से कोई भी सामान ख़रीदा है और दोस्तों आपको वो सामान नहीं चाहिए तो आप उसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़रा भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अमेज़ॉन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप अपने अमेज़ॉन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको इसे साइन इन या फिर लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों आप इसे लैपटॉप से या फिर किसी भी दूसरे मोबाइल से चला रहे हैं यानी कि किसी दूसरे ब्राउज़र से चला रहे हैं तो सिंपली आपको अमेज़ॉन के होम पेज में आ जाना है। दोस्तों इसे होम पेज बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में 3 लाइन देखने को मिलेगा या फिर आपको हो सके तो कहीं ऊपर में 3 लाइन देखने को मिलेगा। सिंपली आप कहीं पे भी 3 लाइन जहाँ पे आपको देखने को मिले सिंपली आप एक बार वहाँ पे क्लिक कर ले और उसके बाद में सबसे ऊपर में आपको योर ऑर्डर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे Realme का एक एयरफोन मंगाया है और एक बोया का माइक मंगाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में ट्रैक पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, उसके जस्ट नीचे में रिटर्न और रिप्लेस आइटम का एक ऑप्शन आ रहा है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अगर आपका ये प्रोडक्ट अगर रास्ते में है या फिर दोस्तों आपने मंगा लिया है तो दोस्तों उसके लिए आपको कोई भी एक रीज़न चूज़ कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ये वाला रीज़न चूज़ कर लेते हैं, आइटम डिफेक्टिव और डज नॉट वर्क। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको इसके बारे में बता देना है कि इसका क्या ख़राबी है। और इसके होने के बाद में सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट को कैंसिल करना हो या फिर उसे रिटर्न करवाना हो तो आप कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।